आप ये सोच ही नहीं सकते हैं कि दूसरे एंगल पर भी तो कुछ कहा जा रहा है। तो वो कहते हैं आई अवॉइड देम बिकॉज आई माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ डिवाइन, यानी मेरे अंदर खुदा बसता है। वो जो बात है ना कि द डिवाइन लाइट एग्जिस्ट विद इन मी, दैट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट ऑन रविंद्रनाथ टैगोर। एंड आई डोंट वांट अदर्स, व्हाट अदर्स, आई डोंट वांट अदर्स पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन। मुझे स्क्रिप्चर्स नहीं चाहिए, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट अदर्स वर्ड्स टू बी मिक्स्ड विद माय ओरिजिनल। क्योंकि जब आप बाहर का प्रोपोगंडा अपने माइंड में लेकर आओगे तो आपकी अपनी अप्रोच भी पोल्यूटेड हो जाएगी। उस पोल्यूटेड अप्रोच को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो क्या है कि आप अपने अपने एक्सपीरियंस, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस के साथ जाएं, जो आपका ओरिजिनल है, जो ऑथेंटिक है, और जिसको आप समझते हैं कि ये वो सोल रास्ता है, यही वो एकमात्र रास्ता है कि जिससे आप खुदा तक पहुंच सकते हैं। लिहाजा वो समझता है, वॉन्ट टू ऑफर गॉड एग्जैक्टली व्हाट इज माई हार्ट बीट, कि जैसा मेरा दिल धड़कता है मैं खुदा को वैसे, वॉन्ट टू ऑफर गॉड एग्जैक्टली व्हाट इज माई हार्ट बीट, कि जैसे मेरे दिल की धड़कन है। कहता है कि दूसरों का अपना एक्सपीरियंस होगा, अदर्स मे हैव नॉन, सडनली अदर्स हैव नॉन, बट देयर नॉलेज कैन नॉट बी माई नॉलेज। Only my experience can satisfy me, can fully fulfill my search. So when you are in search of God, it means you are moving towards the things can give me trust in existence. I don't want to be a believer. Main believer nahi banna chahta. I don't want to be a believer. यानी वो बिलीवर जो ट्रू सेंस में, जिसको ये कहा जाए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, कि हां भाई वो परफेक्ट प्रैक्टिस करता है रिलीजन की, ही वाज नॉट शॉर्ट ऑफ द मैन, वो बिलीवर नहीं था कि वो मंदिर जाने वाला, वो पूरी तरह से भगवान को मतलब जो है वो श्लोक पढ़ने वाला, वो ऐसा कुछ नहीं था। सो आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बिलीवर, I want to be a knower. दो चीजें, believe और know, जमीन आसमान का फर्क। कैसे? believer जब भी बात करेगा वो blindly करता है, वो उसमें से question raise नहीं करता। जो knower है वो हमेशा explorer होगा, वो जब भी बात करेगा वो नए point of view से करेगा, वो नए आइडियल्स के साथ करेगा। सो ही वॉन्टेड टू बी अ नोअर इंस्टेड ऑफ बिलीवर, एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी अ नॉलेजेबल, कि मुझे मतलब मैं नॉलेजेबल नहीं बनना चाहता। आई वॉन्ट टू बी इनोसेंट एनफ सो दैट एग्जिस्टेंस रिवील्स इट्स मिस्ट्रीज टू मी, कि मैं इतना इनोसेंट होना चाहता हूं कि जो जो एग्जिस्टेंस है, जो मेरी मौजूदगी है इस कायनात में, वो मुझे खुद आके बताए कि इस कायनात की मिस्ट्रीज क्या है। एंड आई डोंट वांट टू बी वर्शिप्ड एज अ सेंट, कि मैं एक सेंट की तरह भी मतलब मुझे प्रेज ना किया जाए। तो द फैक्ट इज दैट इन प्रीवियस सोल सेंचुरी कोई और ऐसा शख्स नहीं है जो रविंद्रनाथ टैगोर को सरपास कर जाए, जो से आगे बढ़ जाए। लेकिन खुद वो शख्स कहता है आई एम नॉट अ सेंट, दैट्स परफेक्ट थिंग, दैट्स रियली मार्वेलस। कि जब आप खुद को सेंटली डिक्लेयर करना शुरू कर देंगे तो आप हाक सेंट होंगे। टू बी अ सेंट उसके लिए ये जरूरी है कि लोग आपको कहें और आप कहें आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। तो वो क्या कहता है, I've only one desire, to be a remember of singer of songs, as a dancer. Dancer, what dancer? Today's dancer? No, the man who dances for the love of his creator, जो अपने हालक के लिए नाचता है,
और जुनून में और इश्क में और पागलपन में नाचता है ताकि उसका हालक राजी हो जाए और वो उस तक पहुंच सके. क्रिएटर एज अ पोएट has offered all his potential, all his flowers of being to the unknown divineness of existence. Unknown divineness of existence. मसलन कि वो गॉड नहीं जिसको हम गॉड कहते हैं, वो गॉड जिस तक हम लोग पहुंच नहीं पाते. हम तो अपनी नमाजों में भी टकरे मारने वाले लोग हैं. क्या हम लोग मतलब हकीकी मायनों में उस खुदा की कभी शनाख्त की, कभी वहां तक पहुंचने का सफर तय किया? हमने कभी इस तरह की कोशिश ही नहीं की. वो कहता है आई डोंट वॉन्ट टू बी वर्शिप्ड, कहता है ये ह्यूमिलेशन है, अगली इनह्यूमन एंड रिमूव फ्रॉम द वर्ल्ड कंप्लीटली. ये खत्म हो चुका है कि आप एक इंसान की प्रस्तुति करना शुरू कर दें. एवरी मैन कंटेन्स गॉड. That's ये लाइन याद के रट्टा मारे जाने के काबिल कि एवरी मैन कंटेन्स गॉड. हर एक शख्स का अपना खुदा है. एवरी क्लाउड, एवरी ट्री, एवरी ओशन इज फुल ऑफ गॉडलीनेस. ये बिल्कुल वही नजरिया है जिसको आपने कहीं पाकिस्तान स्टडीज में नजरिया वहदतुल वजूद की शक्ल में देखा था. वहदतुल वजूद क्या कहता था कि ये सामने जो चीज नजर आ रही है इसमें खुदा मौजूद है. बहरहाल हजरत मुजद्दद अलफसानी और लेटर ऑन हजरत शाह वली अल्लाह ने वक्तुल वजूद की जगह वक्तुल शहूद की बात की कि नहीं, ये खुदा की कुदरत की निशानदेही करती है. तो रविंद्रनाथ टैगोर वाज अमंग दोस यू कैन से फिलोसफर्स आर पीपल जो ये क्लेम करते थे कि हर चीज में, हर ओशन में, हर ट्री में, हर क्लाउड में गॉडलीनेस एग्जिस्ट करती है. सो फिर किसको सो हु इज टू होम वर्शिप, हु इज टू वर्शिप होम. इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप गॉडलीनेस तो उसमें भी है एक ट्री के अंदर, तो फिर गॉड आप ट्री की पूजा कर रहे हो, तुलसी के पौधे की आप पूजा कर रहे हो, तो बदले में फिर आपके अंदर भी तो है ना गॉडलीनेस, तो फिर पौधे को आपकी पूजा करनी चाहिए. That's why. वो इस बात के हवाले से कि वो कहता था कि आई कंसिडर इट एन ह्यूमिलिएशन, आई डोंट वॉन्ट टू बी वर्शिप्ड. इसी वजह से ये माना जाता है कि जो फेलो बंगालीज हैं और इंडियंस हैं they give him high regard और कई respect से वो सबसे पहला cultural figure माना जाता है. और यही वजह है कि उसने कभी भी politics के अंदर directly intervene नहीं की. No doubt उसने अपने politics के हवाले से views share किए. और मुझे याद पड़ता है कि जिस वक्त हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ खिलाफत मूवमेंट के राउंड अबाउट तर्के मवालात चल रही थी, तो टैगोर वो शख्स था कि जिसने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का दिया हुआ टाइटल उसने वापस कर दिया था. इसका महात्मा गांधी के साथ कॉम्प्लेक्स रिलेशन मतलब जो है वो मौजूद है. गांधी और टैगोर बोथ आर फिलोसफर्स, बोथ एक्सप्रेस देयर आइडियोलॉजीज. एक तरफ ही सपोर्टेड इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड शेयर्ड गांधीज वेहमेंट अपोजिशन टू द ट्रीटमेंट ऑफ हिज अनटचेबल्स. गांधी की जो पॉलिटिक्स थी अनटचेबल्स की पॉलिटिक्स, शूद्रों की पॉलिटिक्स, उसको तारीख में मतलब जो है वो जब भी रिकॉल किया जाता है तो आज शूद्र जो हैं वो एक अपना ड्यू मुकाम हासिल नहीं कर सके. उसके पीछे वजह ये थी कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर 1932 में मूरा पैक्ट होता है तो उसमें उन्होंने मतलब गांधी ने
शूद्रों के हवाले से कहा था कि हम आपको कुछ सीटें दे देते हैं लेकिन आप अलहदा अपने आप को कम्युनिटी, आप सेपरेट इलेक्टोरेट जुदा गाना इंतहाब ना हासिल करें, जैसे मुसलमानों को या मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को 1909 में जुदा गाना इंतहाब का हक मिला था, तो उस वक़्त ये मतलब उनको भी मतलब ये हक मिला था, तो उन्होंने फिर मुज़ाकरात किए और वो समझता था कि ये अगर शूद्रों को मतलब क्योंकि हिंदू चार मतलब जो है वो ज़ातों का निज़ाम है, क्योंकि ब्रह्मा के सर से गॉड ब्रह्मा जो है उसके सर से ब्राह्मण पैदा हुआ है, उसके चेस्ट से हृदय से दिल से क्षत्रिय है, और फिर उसके जो बैली है उसमें से वेश है और पांव से शूदर है, तो अगर शूदर हिंदू कम्युनिटी में से मतलब निकल जाते हैं, वो अपने आप को सेपरेट डिक्लेयर कर लेते हैं, तो हिंदू जो मजहबी स्ट्रक्चर है वो टोटल जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। तो वो उनको मतलब जो था वो चाहता था कि ये अलहदा सेपरेट इलेक्टोरेट हासिल ना कर सकें, लेकिन ये तब से लेके अब तक आज कमो बेश इस बात को कुछ नहीं तो 90 साल हो चुके हैं, शूदर हिंदुस्तान के अंदर आज भी अपना जो ड्यू मुकाम है वो हासिल नहीं कर सके, उनकी एक्सप्लॉयटेशन आज भी होती रही, और इसी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ रविंद्रनाथ टैगोर था। टैगोर को सर का खिताब दिया गया और उसने अमृतसर में जलियांवाला बाग का सानिया हुआ, जलियांवाला बाग एक बहुत बड़ा जिसमें कमोबेश अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स जो उस वक्त गवर्नमेंट के थे तकरीबन 400-500 बंदा मारा गया था, लेकिन अनऑफिशियली कुछ लोग ये कहते थे कि वहां बहुत ज्यादा तादाद में लोग मारे गए। ये बिल्कुल ऐसा ही था कि उस वक्त हुकूमत ने जो था वो रोलट एक्ट नाफज कर दिया था, और रोलट एक्ट में बुनियादी तौर पर ये कहा गया था कि किसी भी जगह पर कोई इकट्ठ नहीं होगा, लोग इकट्ठे नहीं होंगे, तो इस बात की मतलब हुकूमत के खिलाफ एक बाकायदा 1919 में जब खिलाफत मूवमेंट चल रही थी तो उस वक्त हुकूमत के खिलाफ ये मूवमेंट भी अमृतसर में इस तरह की मूवमेंट्स चल रही थी कि ताकि अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की जा सके, तो ये लोग जलियांवाला के मुकाम पर, ये एक बिल्कुल इहाता टाइप था, ये बिल्कुल आप इस तरह से ही कह सकते हैं कि जैसे आपका एक कमरा होता है और ऊपर से ये बिल्कुल खुला, तो एक ही रास्ता, जैसे कमरे का यूजली एक दरवाज़ा होता है, बेडरूम का एक ही दरवाज़ा होता है और जिसकी बाकी चार दीवारें जो हैं वो बंद थीं, तो वहां भी एक ही रास्ता था। तो जनरल ओडायर वो अपने लोगों के साथ, अपनी फौज के साथ, अपने सिपाहियों के साथ वहां, जब उसको पता चला कि ये लोग वहां जलियांवाला बाग के मुकाम पर इकट्ठे हुए हैं, तो वो अपनी नफरी लेके पहुंच गया, क्योंकि जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि बाहर निकलने का और उस अहाते के अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, तो उसने चारों अतराफ अपने सिपाही खड़े कर दिए और उनको हुक्म दिया कि वो वहां पर जो मजमा था, जो कमोबेश हजारों लोगों पर मुश्तमल था, उनके ऊपर डायरेक्ट फायर किया जाए। उस डायरेक्ट फायरिंग के नतीजे में मौके पर लोग मारे गए। वहां एक छोटा सा कुआं था, कुछ लोगों ने अपनी उस कुएं में कूद के मतलब अपनी जानें दे दी। बाद में जनरल ओडायर को जो है वो कोई इतनी ज्यादा सख्त सजा नहीं दी गई, उसको जबरी रिटायर कर दिया गया, लेकिन ये एक बदनामी का दाग ब्रिटिश गवर्नमेंट के माथे पर आज भी मौजूद है, और यही वजह है कि जब तर्के मवालात का सिलसिला चल निकला तो उस वक्त सर का जो खिताब था, यही सर का खिताब सैयद अहमद खान साहब को भी मिला हुआ था, जिसको हम कहते हैं KCSI, नाइट कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया। ये हिंदुस्तान में नाइटहुड का मतलब जो है वो नाइटहुड बुनियादी तौर पर उसको नाइटहुड का टाइटल दिया जाता है ना, कि जो अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छी सर्विसेज परफॉर्म करता है, जो किसी शोभा है जिंदगी में कुछ बहुत जबरदस्त काम करता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने चौसर में नाइट का करेक्टर पड़ा हुआ है, वो ये वही नाइट है, वो नाइट
मैदाने जंग का माहर हुआ करता था। और ये वाला जो नाइट है ये बुनियादी तौर पर सोशल लाइफ का माहिर, सोशल जिंदगी में बड़ी अच्छी सर्विसेज देने वाले को नाइट। और यही टाइटल, यू मस्ट बी वेल वर्स्ड, आपको पता होगा कि सैयद अहमद खान जैसे मैं बता रहा था, और फिर यही टाइटल अलामा मोहम्मद इकबाल साहब को भी अंग्रेज सरकार ने दिया था, सर KCSI, नाइट कमांडर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उस टाइटल को भी वापस कर दिया, लेकिन टैगोर ने कभी भी गांधी का ना मेथड और ओपिनियन कभी भी शेयर नहीं की। दोनों के दरमियान बड़ा गहरा रिश्ता रहा। और यही बात है कि 1930-31 में गांधी जो है वो शूद्रों के मामले पर ये फास्ट अनटू डेथ, मरण भरत रख चुका था कि अगर आपने शूद्रों को सेपरेट लेक्टोरेट दिया तो मैं जो है वो ये फास्ट अनटू डेथ कि मर जाऊंगा, कुछ नहीं खाऊं, भूख हड़ताल जिसको आप कहते हो। तो टैगोर की पोइट्री अगर फर्दर आप लोग देखें तो बहरहाल ये उस तरह की पॉलिटिक्स को बिल्कुल नहीं शेयर करता रहा जिस तरह की पॉलिटिक्स आपको नजर आता था करते हुए मोहनदास करमचंद गांधी। ये बिल्कुल उस तरह की पॉलिटिक्स को मतलब जो था वो फॉलो नहीं करता था। टैगोर की पोइट्री जो है वो ट्रेडिशनल इंडियन पोइट्री है और जो है वो वॉज स्पेशली इन्फ्लुएंस्ड बाय डिवोशनल इंडियन पोएट्स ऑफ राम प्रसाद एंड कबीर। फिर उसके बाद बाउल ट्रेडिशन ने मतलब ये मुख्तलिफ किस्म के पोएट्स थे जिन्होंने उसके ऊपर इन्फ्लुएंस किया। फिर बंगाली फोक म्यूजिक जिसकी सिंपलेस्ट बैलेट्स, बैलेट आप ये मतलब जो है वो आप जब भी आप बात करते हैं तो फोर लाइंस फोक स्टोरीज फोक पॉइंट्स जो हैं वो बुनियादी तौर पर इस तरह से चलती हैं। और एंड इनवोकेशन टू यूनियन विद द ब्लवर्ड, फोक स्टोरीज में नॉर्मली फोक जो पॉइंट्स होती हैं आप जब भी जितनी भी फोक पॉइंट्स आप बैलेट्स फॉर्म में आप देखते हैं, जिस तरह से आपने एसटी कॉलरिज की आपने लिटरेरी बैलेट पढ़ी है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, तो इसी तरह की मतलब जो बैलेट्स थी बंगाली के अंदर जिसमें बिलवर्ट और लवर और बिलवर्ट के किस्से जो थे वो बताए जाते थे, ये बिल्कुल उन्होंने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। तो टैगोर के पूरे काम में ये हमें मिस्टिकल एलिमेंट जो है वो बड़ा गहरा नज़र आता है। टैगोर ने बहुत कम जो है वो गॉड को डायरेक्टली रेफर किया। When the voice of the silent touches my words, I know him and therefore know myself. कि जब voice of the silent touches my, खामोशी की जो आवाज है, तो क्या खामोशी की भी आवाज होती है? ठीक है, जिस तरह से वो बता रहा है कि खामोशी की आवाज touches my words और मुझे पता चलता है कि वो है, अब वो हिम से मुराद गॉड नहीं है यहां पे, उसने डायरेक्टली गॉड नहीं यूज किया, हिम ऑब्वियसली ही इज रिप्रेजेंटिंग टू दैट हिम जिसके दिल में कहीं बसा हो और उसी हिम से उसको अपना पता चलता है। लिहाजा उसकी अपनी क्रिएटिव स्पिरिट नजर आती है, उसने नेचर को अपनी पोइट्री में रिप्रेजेंट करने की कोशिश की और यही वो समझता है कि ब्यूटी और ब्यूटी की जो अप्रिसिएशन है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी जिंदगी का और ये साधना है, तरह से यही पूजा है, यही प्रस्तुति है। एंड दिस वाज रिफ्लेक्टेड इन हिज पोएट्री। टैगोर केप्ट राइटिंग पोएट, वो सारी जिंदगी मतलब पोएट्री लिखता रहा और जब मतलब वो बीमार पड़ गया तो फिर ही बिकेम कंसर्न विद द थीम ऑफ डेथ एंड मैन्स इमॉर्टैलिटी। टैगोर जो है वाहिद आथर है जिसमें कंबाइन द टर्म्स ब्राह्मण और रिनेसेंस मैन
जब आप ब्राह्मण की बात करेंगे तो वो कन्वेंशनल है, वो ऑर्थोडॉक्स है, और वो ऑर्थोडॉक्सी नहीं छोड़ता, वो ट्रेडिशनल है। और जो रिलेशंस मैन है वो कन्वेंशनल नहीं है। आप किसी भी शख्स के अंदर जिसमें रिनेसेंस स्पिरिट मौजूद हो, आप जब उस शख्स को देखते हो तो आपको ये अंदाजा होता है कि वो कन्वेंशनल नहीं है, और इसमें ये दोनों चीजें इन्फ्यूज नजर आती हैं। उसकी जो सरीन पोइट्री है उसमें मैन इज रिलेशन विद नेचर, उसकी जो पोएटिक वर्क्स हैं वो नेचर के साथ, जैसे इमर्सन की ट्रांसपेरेंट आई बाल, और वो समझते हैं कि साइलेंस में डिविनिटी मौजूद है, वुड और सी में, ऑन द सी शोर अ बीच दैट शुड बी डिजर्टेड इज ओवर रन विद लाइफ, कि एक ऐसा साहिल जिस पर कोई भी ना मौजूद हो उसमें जिंदगी होती है। इमर्सन कितनी शानदार मतलब बात है कि वो साहिल जिस पे डिजर्टेड है, कोई कभी गया नहीं है या वहां कोई मौजूद नहीं है, लेकिन उसमें जिंदगी मौजूद है। द चिल्ड्रन मीट विद शाउट्स एंड डांसेस, हैव देयर प्ले ऑन द सी शोर ऑफ वर्ड्स, द सी सर्जेस अप विद लाफ्टर एंड पेल ग्लीम्स द स्माइल ऑफ द सी बीच। न सिर्फ इंसानियत, लेकिन जो इनएनिमेट नेचर है वो भी यहां गैम्बल करती है। तो टैगोर ने रिमार्केबल साइकिल ऑफ पोएट्री जो है वो दिया, लवर्स गिफ्ट सीरीज, ही क्रिएट्स पोएम आफ्टर पोएम In which the loved one is compared to time, loved one, the sea, the wind, the cosmos, puri universe, and the mind of eternity. The climatic poem of the cycle remarks that on beholding the blurred, the sea is beating its drum in joy. Kaun sa sea? कि अगर एक खूबसूरत लड़की जो है वो समंदर पे चली गई तो जो समंदर जो है वो बीटिंग इज ड्रम इन जॉय, नो, दैट सी जो आपके आपके चेस्ट में कुदरत की तरफ से दिया गया है, वो दिल जिसको वो समंदर कह रहा है, द फ्लावर्स आर अ टिप टो टू किस यू। तो फिर जब On beholding the beloved, ये पूरी दुनिया के अंदर है कि जब आप अपने महबूब को देखो तो आपके दिल का समंदर उसमें ऐसे ड्रम्स बजते हैं कि जैसे शायद आज ही ईद हो, और ऐसे लगता है कि द फ्लावर्स आर अ टिप टो टू किस यू, कि वो आपके फूलों आपके अब वो जो फूल हैं वो जो फितरत के फूल हैं वो आपको बोसा देने का, आपके कदमों को चूमने के, कि तुम आज अपने महबूब को देख रहे हो। तो ये जो सेंशुअलनेस है, ड्रम बीटिंग, किड्स में ये चीज बहुत वाजिया नजर आती है कि जो किस तरह से जो फाइव सेंसेस हैं वो थ्रू वर्ड्स आपकी प्रवोक की जाए, सेंशुअसनेस, और ये रविंद्रनाथ टैगोर में नजर आती है कि किस तरह से रविंद्रनाथ टैगोर अब ड्रम बीटिंग का ताल्लुक सुनने से है। आपकी फाइव सेंसेस है ना, सेंस ऑफ टच है, टेस्ट है, सेंस ऑफ साइट है, सेंस ऑफ स्मेल है, और सेंस ऑफ हियर है। अगर कोई शख्स अपने लिटरेचर के अंदर आपके किसी एक सेंस को उभार दे तो उसको सेंसियसनेस कहा जाएगा, और ये इसकी आगे एक्सटेंडेड फॉर्म सिनेस्थीजिया है जो कीट्स और नेचर पोएट में हमें नजर आता है।
सो जिस तरह से नेचुरल एलिमेंट्स को रविंद्रनाथ टिगोर ने मिलाया है, परहैप्स कम लोग हैं इस दुनिया में. टिगोर की जो फ्रेगमेंटेड पोएम्स हैं, स्ट्रे बर्ड्स, एक ऐसे स्पीकर के हवाले से बताती हैं जो नेचर के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड है. उसमें जुमला है, व्हाट लैंग्वेज इज दाइन ओ सी, इस मदर तेरी जुबान क्या है. अब समंदर से सवाल करना कि तेरी जुबान क्या है, तो क्या समंदर कभी बोलता है. ही आस्क द वन पॉइंट गोइंग फर्दर इनवर्ड, ही एड द रसल ऑफ लीव्स हैव देयर विस्पर इन द जॉय ऑफ माय माइंड. इट मींस कि जब पत्ते सरसराते हैं, हवा चलती है तो सरसराहट पैदा होती है, तो उनकी भी सरगोशियां हैं. इन द जॉय ऑफ माई माइंड. अ ब्रीथ टेकिंग टेकिंग इमेज कंक्लूड्स द वर्क. द बर्थ एंड डेथ ऑफ लीव्स आर द रैपर्ड वर्ल्ड्स ऑफ द एडी हूज वाइडर सर्कल्स मूव स्लोली अमंग स्टार्स. रैपर्ड वर्ल्ड्स, वेलपूल की मानक. तो किस तरह से पत्ते पैदा होते हैं, कैसे सितारे आसमान में नए बनते हैं, कुछ टूट के बिखर जाते हैं. फिर इसी तरह से लास्ट बार्गेन, जहां जो सप्लीकेंट्स हैं, जो वर्शिपर्स हैं, ट्राई टू फ्री द पोएट विथ पावर मनी एंड लस्ट. ही इज नॉट फ्री अंटिल अ चाइल्ड प्लेइंग विथ शेल्स. आई हायर यू विथ नथिंग. That bargain struck in child's play made me a free man. तो फिर the poet with power, money and lust. हम जब इस दुनिया में हैं तो हम इससे अलहदा नहीं हो सकते. कब हो सकते हैं? हाँ, एक बच्चा जो shells के साथ खेल रहा हो. I hire you with nothing. That bargain struck in child's play made me a free man. तो बच्चे को अगर कभी आप घोंगों के साथ, शेल्स के साथ खेलते देखे, अपने खिलौनों के साथ खेलते देखे, he is least concerned. Is not in need of power, money and lust. तो जो childish innocence है, वो रविंद्रनाथ टैगोर अपनी पोइट्री में उसको सबसे ज्यादा अपहेल कर रहा होता है, सबसे ज्यादा प्रेज कर रहा होता है. और वो चाहता है कि यही, मतलब जो जो चीज है वो सामने आए. सो जो लास्ट इनोसेंस है ह्यूमैनिटी की, नेचुरल सीड ट्रायर क्रिएट्स अ मैन्स फ्रीडम इन टैगोर्स पोएट्री. टैगोर ने एक ट्रस्टेड रेपुटेशन पोएट की, ऑथर की, इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट्स. जब उसकी बुक सॉन्ग ऑफरिंग्स गीतांजलि जो पब्लिश हुई, तब उसको मिल गई. और उसने इनर कामनेस को और अपने इनर इंसान को एक्सप्लोर करने की, मतलब जो है वो कोशिश की. डिवाइन लव, टैगोर ट्रांसलेटेड द पोएम फ्रॉम द कलेक्शन इनटू इंग्लिश. और ये जो राइटिंग्स हैं वो 1912 में प्रिंट होती हैं. And included an introduction by the infamous William Butler Yeats. इसकी राइटिंग जो है उसने कमेटी ऑफ द नोबल प्राइज अवार्ड्स को अट्रैक्ट किया, और जिन्होंने उसको लिटरेचर का 1913 में सबसे बड़ा अवार्ड, नोबल प्राइज जो है वो दिया. सो दैट्स ओवरऑल आज का ये लेक्चर. उम्मीद करूँगा कि आपको समझ आ गई होगी. इन स्पाइट ऑफ डैट अगर कोई फिर भी क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.